महाभारत युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि वह महाभारत युद्ध को अकेले अपने दम पर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। भीष्म ने उत्तर दिया, वह इस युद्ध को मात्र 20 दिनों में ही समाप्त कर सकते हैं। और अर्जुन ने कहा कि वह इस युद्ध को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तभी बर्बरीक वहाँ पर आया और उसने कहा कि वह इस युद्ध को मात्र अपने एक तीर से ही समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम इस पीपल के सारे पत्तों को अपने एक तीर से छेद कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम यह सत्य कह रहे हो। तभी बर्बरीक ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसने अपने तीर से पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया। तभी एक पीपल का पत्ता जो जमीन के नीचे पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण ने उस पर पैर रखकर उसको छिपा लिया। तभी बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना पैर हटा लीजिए, मैंने अपने तीर को सिर्फ पीपल के पत्ते को छेदने के लिए कहा है, आपके पैर को नहीं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यह योद्धा जीवित रहा तो सारे संसार में प्रलय ला सकता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए। इसके जवाब में बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से पूरी महाभारत को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जताई। अतः भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर उसका सर रख दिया, जिससे उसने पूरी महाभारत को देखा।